आप सबको मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साबुत उड़द की और लोबिया की दाल। उसके लिए हमने सबसे पहले उड़द की दाल और लोबिया को पहले हमने कुकर में 2-3 सीटी के साथ उबाल लेना है। उबालते वक्त हमने इसमें आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, चुटकी भर हींग और 1 चम्मच तेल डाल के उबाला है। उसके बाद मैंने पहले से दाल उबाल के रखी हुई है। उसके बाद उसमें जो लगने वाला तड़के में लगने वाला सामान है, धनिया ले लेना है, साबुत धनिया, 2 सूखी मिर्च, लाल मिर्च, 1 गरम मसाला ले लिया है, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और टमाटो प्योरी और प्याज का पेस्ट, और तड़का लगाने के लिए हमें सरसों का तेल और घी लेना है। गार्निश के लिए धनिया पत्ता लेना है। सबसे 2 चम्मच हमने सरसों का तेल डालना है। फिर इसको अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद घी डालेंगे। गर्म हो गया है, अब हम इसको 2 चम्मच घी डाल, आप चाहे तो डालना भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने डालने की जगह देसी घी लिया है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, आंच को कम करेंगे और इसको थोड़ा सा सिमर के हाथ से हमने धनिया डाल देना है, लाल मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ा भून लेंगे। इसमें हमने प्याज का पेस्ट डाल दिया, प्याज को हमें लाल होने तक पकाना है। इसको हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देना है, इसको भी अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें हमें सारे मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हमने टमाटर प्योरी डाल दी है। टमाटर अच्छे से पकने ज़्यादा तेल नहीं छोड़ देता तब तक हम पकाएंगे। टमाटर भी अच्छे से भून चुका है, इसमें हमने दाल डाल देनी है। इसको भी उबाला आने तक पका लिए दाल को।
आज हम केचप कर लेंगे। अब इसमें हमने धनिया पत्ता डाल लेना है और थोड़ा सा हमने एक मिनट के लिए इसको पकाना भी है ताकि धनिया पत्ते का फ्लेवर भी दाल में आ जाए। अब हमारी दाल उड़द की और लोबी की दाल बनके तैयार है। गर्मा गर्म हमारी उड़द की और लोबी की दाल बनके तैयार है। इसे चावल या रोटी के साथ परोस के खाने का आनंद लें।